और वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने भी कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुन लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, एक औपचारिक शुरुआत हुई भारत जोड़ो यात्रा की, क्या देख रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण सर कांग्रेस के लिहाज से सर आने वाले समय में? देखिए, ये यात्रा अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होगी और इस देश की राजनीति जहाँ तक है उसमें बदलाव लाने के लिए, और जितना इसको लेकर राहुल जी प्रतिबद्ध हैं और मुझे बहुत इसके सकारात्मक परिणाम की आशा है। और सतत रूप से जब ये यात्रा चलेगी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लोगों से जुड़ाव होगा और जो जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, जिस देश में जिस तरीके से बिखराव हो रहा है, चाहे वो सामाजिक तौर पर देखा जाए, चाहे आर्थिक तौर पर देखा जाए, चाहे नौजवानों को दिशाहीन कहा जाए क्योंकि उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार है। कहीं ना कहीं ये यात्रा एक संदेश देगी, एक शुभ संदेश देगी इस देश के समाज, इस देश की जनता को, कि आज इसको फिर वही उसकी तिरंगे के नीचे आने की ज़रूरत है। वो तिरंगा जिसने सबको अपने में, सब वर्गों को, सब धर्मों को, सब भाषाओं को अपने में समायोजित किया। बीजेपी ये कह रही कि कांग्रेस इससे खुद का रिवाइवल करना चाहती है, कांग्रेस हमेशा बांटने की बात करती है और उसके बाद ये भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, अब ये अगर वो कहते हैं तो ये बड़ा अफसोसजनक बात है कि, और उन्हें तो आलोचना वैसे भी देखिए, उन्होंने कभी कांग्रेस की या कांग्रेस के नेताओं की कभी प्रशंसा की हो, कभी उनके योगदान को सराहा हो। 70 वर्ष में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया, उसकी उन्होंने प्रशंसा की हो, तो वो अगर कोई आलोचना करते हैं तो उसका मतलब है सीधा सीधा कि ये एक प्रशंसनीय कदम है इस देश की, जो उसका उद्देश्य है कि भारत जोड़ो, उसमें वो सफल और सार्थक होगा। एक सर हरियाणा के लिहाज से देखें, अम्बाला से यात्रा होती हुई गुजरेगी, कितना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, क्या कुछ परिवर्तन या के गए कि क्या कुछ बदलाव जो है इससे होता हुआ नजर आएगा? इससे मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि इससे यकीनन इसमें बदलाव, इसके माध्यम से बदलाव होगा और एक राजनीति को, एक जो आज दिशाहीन हो गई है उसको एक दिशा मिलेगी और सही दिशा में राजनीति जाएगी। और जो आज जो धार्मिक, जो खास तौर से द्वेष देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर से जो युवा वर्ग बेरोजगारी की वजह से उद्वेलित है और जो नीचे के पायदान पे जो वर्ग खड़ा है, विपिन वर्ग खड़ा है, जो महंगाई के इस प्रकोप में से जूझ रहा है, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, कहीं ना कहीं उन्हें ये संदेश मिलेगा कि इस देश में ये सरकार जिसको चुना गया है वो कुछ कर नहीं पा रही है और बदलाव की नितांत आवश्यकता है। शुक्रिया सर। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, कन्याकुमारी।